Hello Zams, today is our third day of our series trying YouTube recipe. So today I am trying Chahat Anandi recipe cotton candy shake. Let's see what the recipe आपने देखा चाहता आनंद जी ने कैसे बनाया है तो यहाँ पे उन्होंने कॉटन कैंडी लिया और सबके पास आसानी से कॉटन कैंडी मिल ही जाती है पार्क वगैरह में तो मैंने यहाँ पे वन कॉटन कैंडी ले ली है देन उन्होंने थ्री से बनाया इसको देन वन कप मिल्क तो मैं चाहता ना की टू रेसिपीज ट्राई कर रही हूँ एंड क्रश्ड आईज जैसे उन्होंने दिखाया मिल्क कॉटन कैंडी एंड आइस इन सबको मैं अच्छे से घुमा दूंगी ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से आप देख सकते हो ब्लेंड हो गया इसका कलर आप देख सकते हो तो आई थिंक मैंने मिल्क ज़्यादा कर दिया था अब पता नहीं मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ देन इसको मैं ट्रांसफ़र करी मैंने आइसक्रीम नहीं यूज़ करी थी नहीं तो मैंने थोड़ी सी कॉटन कैंडी बचा ली थी एंड उसको टॉप पे डाला मैंने फिर थोड़ी सी आइस और डाली मैंने क्योंकि और ठंडा चिल्ड होता तो और अच्छा लगता है तो मैंने आइस इसमें खूब सारी डाल दी थी खूब सारी आइस डाल दी है अब मैंने इसमें फिर थोड़ी सी कॉटन कैंडी ऊपर भी डालने के लिए रखी थी बट वो इतनी थोड़ी सी थी तो अंडर डूबे जा रही थी तो मैंने सोचा मैं, तो मैं आइसक्रीम भी यूज़ कर सकती थी बट इट्स ओके इसका टेस्ट मैं बताऊँ तो रो अफ्ज़ा जैसा टेस्ट कर रहा था ज़्यादा अच्छा नहीं टेस्ट करता तो ये इतना फीका था गाइज़ फिर मैंने इसमें रो अफ्ज़ा और थोड़ी सी चीनी और ऐड करी तो आई विल रेटेड 10 आउट ऑफ सेवन बिकॉज़ ये थोड़ा सा ज़्यादा फ़िकर रह गया था और चातानंदी ने बोला था कि ये ऑलरेडी मीठा होता है तो इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बट आई कैन रेट इड ओनली सेवन और ये इतना फीका था गाइज आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इसमें बहुत ही चीनी की कमी थी फिर मैंने रू डाला मतलब काइंड ऑफ रू तो या अब अपनी सेकंड रेसिपी पे चलते हैं भाई तो आपने जैसा देखा आ, कि पार्ले जी और चाय की आइसक्रीम बना रही हैं चाहत आनंदी तो मैंने पार्ले जी को गलत साइड से ओपन कर दिया था फिर मैं भूल गई देन कोई बात नहीं ऐसे ही ट्राई करते हैं आप बोल रहे हो कि चाहत आनंदी की मैंने ऐसी रेसिपीज क्यों ली अगर आप चाहते हो मैं चाहत आनंदी की एक और न्यू मतलब सिर्फ चाहत आनंदी की सीरीज शुरू करूं तो आप मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना है तो मैंने सिर्फ यही रेसिपीज मुझे अभी ठीक लग रही थी क्योंकि सेवन डेज सेवन यूट्यूबर्स रेसिपी ज़्यादा हो गई थी इसलिए मुझे यही ठीक लग रहा था तो चाय लिया और पाले जी इसमें ऐसे चाय डालते जानी थी डालते जानी थी तो आप देख सकते हो पे इसमें चाय डाल दिया हमने एंड इसमें अब डालिए है मैं आइसक्रीम स्टिक मेरी आइसक्रीम स्टिक अंदर ही नहीं जा रही थी बिकॉज क्योंकि वो नीचे तक चाय नहीं जा पा रही थी ऊपर ही ऊपर आई थी और शायद इसलिए साइड से ओपन करना होता है पार्ले जी को ताकि सब बिस्किट्स में चाय चली जाए तो मैं ट्राई कर रही थी कि नीचे तक जाए जाए बट नहीं जा रही थी तो थोड़ा ऊपर का बिस्किट तो बहुत सॉफ्ट हो गया था एंड अगर आप चाहते हो मैं चाहता नंदी की और रेसिपीज ट्राई करूं तो बताना उनकी एक अलग सीरीज बनाएंगे हम तो ये ऐसा हो गया था कुछ फिर मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज रख करने को रख दिया था देन इसको मैं अब ओपन करने जा रही हूँ ओपन देखते हैं होता है या नहीं आप देख सकते हो गया इसका फाइनली ओपन अब देखना क्या होएगा सी मैंने बोला था नीचे तक चाय नहीं गई थी इसलिए वो बिस्किट्स तो एकदम ठीक थे सच में बस ठंडे हो गए थे ये थ्री बिस्किट्स पे ज़्यादा चाय गई है बाकी उस पर नहीं गई अगर मैं बता रही हूँ आपको पार्ले जी सबके घर में रहता ही है ये मेरे घर में तो रहता ही है चाय के साथ और चाय बच जाए तो ट्राई कर सकते हो वरना ऐसा कुछ खास नहीं था इस आइसक्रीम में मतलब आई रेट इट एट बिकॉज ये जो पहले कॉटन कैंडी से तो थोड़ा बेटर ही लग रहा था तो टेन आउट ऑफ एट आई विल रेट बट जब चाय बच जाए तो ट्राई कर सकते हो एंड या बाय बाय सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ प्लीज़ फोर डे